मांग है दोस्तों से, गुजारिश है कि हमारे चैनल कुकिंग विद हसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर किया करें। दोस्तों जैसे कि भिंडी का मौसम चल रहा है तो भिंडी बहुत ही लाइक की जाती है घरों में, तो हम आज आपके लिए भिंडी की रेसिपी लाए हैं। भिंडी प्याज की बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तमाम भिंडी को ड्राई करके खुशक करके हम इस साइज में काट लेंगे। एक कढ़ाई हम आग पे चढ़ा देंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल आधा कप लेंगे, ज्यादा ऑयल नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा बर्तन नॉन स्टिक है तो इसमें हम ऑयल कम इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा ऑयली भिंडी या कोई भी ज़्यादा ऑयली सालन अच्छा नहीं लगता। कोशिश किया करेंगे आप जो भी भूनने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब गोश्त वगैरह होता है, आप ऑयल में भून के उसके बाद ऑयल उतार के सब्जी दाल में इस्तेमाल किया करें। भिंडी शामिल कर देंगे ऑयल में, मिक्स करेंगे इसको। 5 से 7 मिनट तक हम हल्की आंच पे इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो लेस वगैरह वो खत्म हो जाए। चार अदद मीडियम प्याज है और 3 अदद टमाटर हैं, तो ये भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। आपका प्याज भिंडी से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि भिंडी प्याज की रेसिपी में प्याज थोड़ा ज़्यादा डलता है। प्याज को काटने के बाद एक दफ़ा हाथ की मदद से इस तरह आप इसको मसल लें ताकि ये अलग अलग हो जाए सारे, ताकि भिंडी में अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है अलग अलग प्याज की। उसके बाद ये जो हमने टमाटर लिए हैं इनका हमने छिलका उतार लिया है, तो आप भी कोशिश करेंगे छिलका उतार दें। टमाटर को हम बारीक करके डालेंगे। ये तमाम प्याज और टमाटर हम भिंडी में शामिल करेंगे। भिंडी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मसाला जात में नमक शामिल करेंगे, नमक आप अपने हिसाब से डालें। ये हमारे पास तकरीबन 1/2 किलो भिंडी है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर। इस स्टेज पे अगर आप इसमें अनारदाना शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम अनारदाना शामिल नहीं करेंगे, हम अनारदाने के बगैर बनाएंगे। इसको हम ढकना लगा के हल्की आंच पे पकाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आप ही वक्फे से इसको मिक्स करते रहें वक्फे बाद। ये बिल्कुल आप हल्की आंच पे दम पे पकेगा।
माशाल्लाह बिनने वाली रेडी है। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में हमने बनाई है भिंडी। तो आप भी कोशिश करें बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल करें, ज़्यादा ऑयली भिंडी अच्छी नहीं लगती। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी हमारी भिंडी प्याज की आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। तो इससे आपको नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी रेसिपी एग्जैक्ट बनेगी। तो आप कमेंट्स में बताएं कि आप किस किस शहर से हमें फॉलो कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, आपके तावन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।